किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे पी क्रॉप यानी मटर की फसल के बारे में। अगर आपने भी मटर की फसल की है और वह महीने भर की हो गई है तो उसमें फ्रूट बोरर यानी कि सूंडी आना शुरू हो गया होगा और साथ में फ्लावरिंग नई कली बन रही होंगी और फूल बनना शुरू हो गया होगा। तो इस कंडीशन में हम किन किन दवाओं का स्प्रे करें वह इस वीडियो में हम बताते हैं आपको। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर सूंडी लगना शुरू हो गया है तो सबसे सस्ते और बढ़िया रिजल्ट इस मटर की फसल में इन दो टेक्निकल का आएगा। पहला है MM18 बेंजोइड 5% SG। किसान भाइयों, ये किसी भी कंपनी का 150 ग्राम ले लेना है। साथ में 60 ml ये चाइनीज़ कोराजिन ले लेनी है जो आपको लगभग 250 रुपये का खर्चा है। इसका लगभग 350 के आसपास का खर्चा 150 ग्राम का। और इसके बाद फ्लोरिंग बनना शुरू हो गया तो उसके लिए हम ये हैरिस कंपनी का हाइड्रो प्रो गोल्ड 1 लीटर 3 एकड़ में डाल सकते हैं, जिससे कि फूल भी बहुत आएगा और पौधे की ग्रोथ भी बढ़िया से होगी। इसके साथ साथ अगर 150 ग्राम ब्रोन भी लगा देते हैं हम तो इससे क्या होंगे, प्लांट के पत्ते चिकने रहेंगे और फली टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी और फली में जो दाना कम रह जाता है, पटास बनती है जिसको, हम दाना फूलता नहीं है उसके अंदर, हली फली रह जाती है, तो वह शिकायत भी फसल में नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, आप अगर आपकी मटर 1 महीना की हो गया तो इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। पहला 150 ग्राम MM18, उसके साथ 60 ml ये चाइनीज़ कोलाजिन वाला टेक्निकल, 300-350 ml प्रति एकड़ हाइड्रो प्रो गोल्ड और साथ में 150 ग्राम बोरोन 20। इनको सबको इसका दोनों का एक साथ घोल हो जाएगा, इसका अलग घोल होना और इसके अलग होना। इसके साथ साथ इसमें मैन को जैप भी 300 ग्राम के हिसाब से लगा सकते हैं अगर ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एग्रोकेमिकल।